मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेरे प्यारे बच्चों हम वैंडरवाल्स फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, कितने तरह के वैंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, आप बने रहो मेरे साथ। सबसे पहले बच्चों आ रहा है डायपोल डायपोल फोर्सेस, दूसरा आता है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और तीसरा आता है लंदन फोर्सेस, जिसको हम डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं। तो बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच एक्चुअली थोड़ा सा और स्टडी करें तो दो तरह का इंटरेक्शन होता है, या तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन भी हो सकता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आज अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ जब कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ ये वैंडरवाल्स फोर्सेस ही एक्सप्लेन करते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों आता है क्या, डायपोल डायपोल फोर्सेस। पहला आता है डायपोल डायपोल फोर्सेस, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर की, डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होता है। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होता है। बच्चों बड़ा आसान है बच्चों, एक मैं पिक्चर बनाऊंगा, एक फिगर बनाऊंगा, आप ध्यान से देखो इसको। बच्चों आपको पता है कि HCl क्या होता है, ऐसे बनता है HCl। बच्चों एक और HCl मॉलिक्यूल बना लो, और आप जानते हो कि क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है ना, एटम की ऐसी टेंडेंसी जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमको पता है कि क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये क्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बीच में था, लेकिन क्लोरीन खींच लिया, ये दूसरी का इलेक्ट्रॉन है, ये इधर खींचाया, तो हल्का नेगेटिव बच्चों डेवलप कर जाएगा यहाँ पे, हल्का नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डेल माइनस, और यहाँ बच्चों हो जाएगा हल्का पॉजिटिव, यहाँ बच्चों हो जाएगा हल्का नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा हल्का पॉजिटिव। तो देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते जो एटम्स पर पार्शियल चार्जेस उत्पन्न हुए, तो ये बच्चों आ गया हल्का नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को बच्चों खींचेगा, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसके चलते यहां पर एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डायपोल डायपोल फोर्स। देखो यहां पर दो टू पोल डेवलप कर गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिस मॉलिक्यूल पर जिस मॉलिक्यूल पर जिस मॉलिक्यूल पर जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अगर डेवलप कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों देख रहे हो कि इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि यहां पर डायपोल है, ये भी डायपोल है, तो डायपोल डायपोल के बीच जो फोर्स डेवलप किया, डायपोल डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप किया, जो आकर्षण डेवलप किया, इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। बच्चों क्लियर है यहां कहानी, मतलब ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसी को तो कहा जाता है क्या, डायपोल डायपोल फोर्सेस। देख रहे हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा हल्का नेगेटिव यहाँ, हल्का पॉजिटिव यहाँ, ये जो बॉन्डेड पेयर था इधर शिफ्ट कर गया। बच्चों ऐसे दिखा सकते हो क्या, ऐसे दिखा दो आप, तो बच्चों शिफ्ट कर गया इस तरफ हल्का, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव, यहाँ भी हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जो पोल है इस नेगेटिव पोल को खींचेगा अपनी तरफ, इसके चलते एक आकर्षण डेवलप करेगा, एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, इसी को कहते हैं क्या, डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। बच्चों क्लियर है, आइए मैं कुछ पार्ट दिखाता हूं इस पर, उसको नोट कर लो बच्चों। आओ देखो बच्चों, सबसे पहले है क्या है ये, तो आप बोलोगे सर कि द अट्रैक्शन, मैं तो लिखते चलो तो और बेटर रहेगा, द अट्रैक्शन। देखो कितना बढ़िया से मैं बता रहा हूं आपको, द अट्रैक्शन बिटवीन डायपोल एंड डायपोल, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। हो
बच्चों सबसे पहला पॉइंट यही था आपका कि जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, किसके बीच में? डायपोल डायपोल के बीच में, इसी को डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है ना, दिस ये जो फोर्सेज है बच्चों, दिस फोर्सेस मतलब डायपोल डायपोल फोर्सेज जो है, डायपोल डायपोल फोर्सेज जो, मतलब सुनो याद हो जाएगा सारी चीजों को, दिस फोर्सेज एग्जिस्ट अमोंग, अमोंग मतलब बीच में, अमोंग 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 पोलर मोलिकुल्स, किसके बीच में बच्चों? पोलर, किसके बीच में? पोलर मोलिकुल्स, पोलर मोलिकुल्स के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया, पोलर याद रखेंगे, पोलर मोलिकुल्स, और तो याद रखेंगे पोलर मोलिकुल्स, ये जो हमारे पोलर मोलिकुल्स है बच्चों, जो पोलर मोलिकुल्स देख लो, इसी के बीच ये फोर्स काम करता है। तो पोलर मोलिकुल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है उसको कहते हैं क्या? डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं। और जो तीसरा है इसका पॉइंट जो है वो क्या है, दिस फोर्सेस आर, मेरे प्यारे बच्चों, आर ऑल्सो कॉल्ड किसोम फोर्सेस। और जो किसोम साइंटिस्ट का नाम था जिसने इन फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी, एंड द इफेक्ट एंड जो प्रभाव है, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो जो प्रभाव है इसको कहते हैं क्या? ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसोम फोर्सेस किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन इफेक्ट, किससे रिलेटेड है। तो मतलब ये तीन पॉइंट्स हैं कि डायपोल डायपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको डायपोल डायपोल फोर्स कहा गया, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इन फोर्सेस का एग्जिस्टेंस होता है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इसको किसोम फोर्सेस कहते हैं, किसोम साइंटिस्ट का नाम है, किसोम फोर्सेस कहते हैं उस साइंटिस्ट के नाम पर, और जो इफेक्ट है, जो प्रभाव हुआ उसको कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओके बच्चों पॉज करके नोट कर लेने का, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर बच्चों, बताओ कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं मैं। ये देख लो, दिस फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, किसोम फोर्सेस ओरिएंटेशन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ो। अब बच्चों सेकंड नंबर पर आ रहा है, पहला नंबर तो हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड पर क्या है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड बताएंगे आप क्या है, सेकंड पॉइंट पर है बताइए, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ये बच्चों दूसरा नंबर पे है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ये क्या बच्चों, देखो बड़ा आसान है बच्चों, मान लो कोई मैंने मॉलिक्यूल लिया ए बी, और यहां मान लिया मैंने कि ए जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ठीक है बच्चों। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, अब बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचाया बॉन्डेड पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन इसका ए है, ये डॉट दिखाए हैं ए का इलेक्ट्रॉन है, और क्रॉस दिखाए हैं बी का इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड में फॉर्मेशन में भाग ले रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, नॉन पोलर मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, या H2 हो सकता है, O2 हो सकता है बच्चों, है ना। तो बच्चों मान लो यहाँ पर मैंने नोबल गैस लिया, समझ रहे हो नॉन पोलर का मतलब, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना, कितने हो सकते हैं, जैसे HH, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की सेम है, यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर। देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी देख लो आप, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर, दिस एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमने बच्चों लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, अब यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन से क्लाउड से यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ है। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही ये डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, जैसे डेवलप किया यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ,
जैसे ही खींचेगा वो जो क्लाउड इधर, ये पूरा डिस्टॉर्ट करेगा, देख रहे हो, ये क्लाउड खिंचाया अपनी तरफ, देख रहे हो, इधर खिंचाया, इधर खिंचाया क्लाउड, देख रहे हो, इधर खिंचाया, ये पूरा क्लाउड्स हो गए, खिंचाया बच्चों इधर, जैसे ही खिंचाया अब यहाँ बच्चों हो जाएगा, इधर खिंचाया तो डेल्टा नेगेटिव, इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब बच्चों देख रहे होगे फिर इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा, इसी को बोलेंगे डायपोल इंड्यूस। इंड्यूस मतलब इंड्यूस कर दिया, ये बहुत आराम से था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हल्का पॉजिटिव डेवलप किया, इसके क्लाउड को उसने डिस्टॉर्ट करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, इस पूरे शेप उसने बदल दिया, देख रहे हो, पूरा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो था चारों तरफ, ये क्या था बच्चों, क्लाउड ही था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे यहाँ पे चारों तरफ, थे ना, और बच्चों ये पूरा का पूरा देखो चेंज, ये क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू किया बच्चों, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने के चलते इधर, अब देखो इधर क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स आ गए तो हल्का नेगेटिव हो गया, इधर हल्का पॉजिटिव हो गया। अब देखो इन दोनों फिर इंटरेक्शन हुआ, ये एरो से दिखा रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, और दिस फोर्स इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब इसमें डायपोल था, उसमें दूसरे में डायपोल नहीं था, दूसरे में इंड्यूस कर दिया, उत्पन्न कर दिया। एक पढ़ने वाला बच्चा, एक नहीं पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अगर कॉन्टेक्ट में नहीं पढ़ने वाले बच्चे के साथ, तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ने वाले बच्चे में इंड्यूस कर देगा कि भैया पढ़ ले, कुछ करना है जिंदगी में। तो बच्चों वही स्थिति हुई कि ये पोलर था, इसके अंदर डायपोल था, और इस डायपोल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या डेवलप कर दिया, डायपोल उत्पन्न कर दिया। अब जो बच्चों इंटरेक्शन होगा इसके बीच में, उसी को बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बोलेंगे। बच्चों क्लियर है? तो डायपोल एक था मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, देखो लिखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या लिखा है बच्चों, नॉन पोलर लिखा है मैंने, क्या लिखा है, नॉन पोलर, क्या लिखा है बच्चों, नॉन पोलर, और इसके अंदर कोई डायपोल नहीं था, इसके चलते जहां इसके नियरेस्ट नियर में आया, इसके इसके पड़ोस में आया, बस इसने इसके अंदर डायपोल डेवलप कर दिया, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को बच्चों बोलेंगे क्या, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बोलेंगे। क्लियर बच्चों? तो नोट किया जाए इसमें पॉइंट्स के बारे में, मिटाओ इसको, चलिए नोट करें, आइए आइए, क्या बच्चों ये बड़ा आसान सा पॉइंट बताइए मुझे, सबसे पहले पॉइंट बताइए क्या है, पॉइंट क्या बच्चों, पॉइंट बताइए जल्दी से। देखिए ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस हो गया, इंड्यूस मे बी इंड्यूस्ड, मतलब उसके अंदर चार्ज डेवलप कर गया, कैसे, बाय द पोलर मॉलिक्यूल। बच्चों पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डायपोल होता है, मतलब डायपोल लिख सकते हो, एक डायपोल है भैया, प्रेजेंट, उपस्थित कहाँ है, नियर टू इट। देख लो बच्चों एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो इंड्यूस हुआ बाय द पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नियर टू, ओके बच्चों, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी इंड्यूस्ड बाय द पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नियर टू इट, ठीक है, एंड हो गया, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स, एंड द अट्रैक्शन भी कर सकते हो, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल एंड induce dipole is called, क्या कहते हैं बच्चों, is called dipole induced dipole forces। ओके बच्चों पहला बार समझ आ गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जिसको अंदर इंड्यूस हुआ पोलर मॉलिक्यूल के चलते, ठीक है, और फिर क्या हुआ बच्चों, जो अट्रैक्शन डेवलप किया डायपोल में, इंड्यूस डायपोल में, दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी इंड्यूस्ड बाय द पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड डायपोल कर सकते हो, प्रेजेंट नियर टू इट, मैंने दिखाया बच्चों पिक्चर में भी, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल is called dipole induced dipole। बच्चों second point क्या हो सकता है, second point, this ये जो forces हैं, these forces
दीज फोर्सेस एग्जिस्ट, दीज फोर्सेज एग्जिस्ट, कहां बताते हैं, क्या करते हैं बच्चों, दीज फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन, बोलो क्या क्या करते हैं, बिटवीन पोलर मोलिकूल, बिटवीन पोलर मोलिकूल, बिटवीन पोलर मोलिकूल एंड नॉन पोलर मोलिकूल, क्या देखा बच्चों, पोलर, तो पोलर मोलिकूल एंड नॉन पोलर मोलिकूल के बीच में जो फोर्सेस काम करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, मतलब इन फोर्सेस जो एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, एक पोलर एंड नॉन पोलर मोलिकूल के बीच में। बच्चों थर्ड पॉइंट से क्या मिटा दूं उसको, अच्छा चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एकदम आराम से पढ़ो कूल होके एकदम बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन फोर्सेस, दिस फोर्सेस, इन फोर्सेस के बारे में, दिस फोर्सेस वर, दिस फोर्सेस वर स्टडीड, दिस द एग्जिस्टेंस कर लो, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्सेस, देखो द एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट कर, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्सेस, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस forces were studied by Debye, Debye ne kiya tha bachcho, Debye scientist ka naam Debye, and the effect is called induction effect, kya bolte bachcho kya bolte hain, इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं। देख लो तो बच्चों क्या क्या मैंने पॉइंट बताया, इन फोर्सेस के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया था, स्टडी डीवाई ने, और इसको कहते हैं क्या, इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, द इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन इफेक्ट। ओके बच्चों तो काफी पॉइंट्स इतने हैं, काफी बस याद रखना है डीवाई किसने स्टडी किया था, और ये क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट जिसको कहते हैं। ओके बच्चों पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, आप देख लीजिए बढ़िया से, आ जाइए जल्दी से फटाफट। ओके बच्चों आपने नोट कर लिया इसको बढ़िया से, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, द लास्ट है बच्चों लंदन फोर्सेस, और थर्ड नंबर पर आते हैं बच्चों लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंडर वॉल फोर्स, देखो बच्चों बड़ा आसान है बच्चों, मैंने एक नोबल गैस लिया मोलिकुल, जैसे मान लो हीलियम लिया, हीलियम मोलिकुल बच्चों, एक और मोलिकुल लिया, ये भी हीलियम मॉलिक्यूल लिया, अब हीलियम तो इनर्ट गैस है बच्चों, अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे अट्रैक्शन होगा वो देखना है बच्चों, ये न्यूक्लियस है बच्चों, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है चारों तरफ, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों चारों तरफ। अब बच्चों क्या होगा, जब बहुत टेम्परेचर लो करेंगे, जब इनकी स्पीड मॉलिक्यूल्स की काफी कम होगी, और जब बहुत हाई प्रेशर करेंगे, जब एकदम नजदीक लगे देंगे बच्चों, तो होगा क्या, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, अचानक एक किसी मोमेंट पर, देख रहे हो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ डायपोल डेवलप कर जाएगा मोमेंट्री, किसी मोमेंट पर, एट एनी इंस्टेंट ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अचानक एक डायपोल डेवलप, जैसे डायपोल डेवलप करेगा बच्चों दूसरे में इंड्यूस कर देगा, देखो कैसे बच्चों, यहाँ के बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ के बाद क्या किया बच्चों, क्या होगा अचानक यहाँ पर एक डेवलप करेगा, देखो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे न्यूक्लियस, और बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, देखो बच्चों अब देखो यहाँ पर आ गया डेल्टा प्लस और यहाँ आ गया डेल्टा माइनस, इधर शिफ्ट कर गया पॉजिटिव नेगेटिव, अचानक एक तरफ क्लाउड्स आ गए और ये पॉजिटिव आ गया, मतलब मोमेंटरी डायपोल, सो कहेंगे मोमेंटरी डायपोल। और बच्चों तुरंत ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल इसके नियर प्रेजेंट है, इसमें वो डेवलप कर देगा। अब बच्चों क्या करेगा, जैसे इसके अंदर ये डेवलप हो, इस ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया,
अब जैसे ही प्लस डेवलप किया, क्लाउड को खींचना शुरू किया, तो क्या होगा, क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब खींचा इधर, देखो यहाँ पॉजिटिव हो गया, खींचा क्लाउड आ गए, ये हल्का बच्चों नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, और ये आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब बच्चों देखो दोनों में फिर अट्रैक्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचना तरफ शुरू करेगा, और इसी को देखो बच्चों ये आ गया इंड्यूस डायपोल, ये आ गया इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस उत्पन्न कर दिया डायपोल को, था नहीं उत्पन्न कर दिया, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट आया दूसरे में डेवलप कर दिया, जो बगल के उसके जो बगल में मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर जो अट्रैक्शन बच्चों हो गया इसी को क्या कहेंगे, ये जो अट्रैक्शन हो गया इसको कहेंगे मोमेंटरी डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप किया इसको बच्चों बोलते हैं क्या, लंदन फोर्सेस बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, देख रहे हो। तो क्या हुआ, एक मोमेंट किसी, देख रहे हो मोमेंट किसी मोमेंट पर अचानक टॉन क्लाउड, देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल डेवलप कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव इसी को तो डायपोल बोलते हैं। तो बच्चों किसी मोमेंट पर, एट एनी मोमेंट एक डायपोल डेवलप कर दिया और दूसरे में इंड्यूस कर दिया, फिर दोनों मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड बच्चों लंदन फोर्स। ओके बच्चों बात समझ आ गई, तो मोमेंटरी डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं लंदन। ये किसके बीच में लागू होगा बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा। तो बच्चों लिख दूं, लिख दूं लंदन फोर्स क्या है, तो लंदन फोर्स यहां पर लिख देता हूं ऐसे, लंदन फोर्स बच्चों क्या है, लंदन लंदन फोर्स इज द अट्रैक्शन, लंदन फोर्स बच्चों इज द अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन बोलो बच्चों, बिटवीन बिटवीन मोमेंटरी डायपोल, यहां पे बिटवीन मोमेंटरी डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस। ओके बच्चों क्लियर है, एकदम देख लीजिए बढ़िया से आप, ये डेल्टा है, ठीक है बच्चों बढ़िया से एकदम। तो लंदन फोर्स का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन है किसके बीच में, अट्रैक्शन है मोमेंटरी डायपोल के बीच में और इंड्यूस डायपोल के बीच में, और ये बच्चों लंदन फोर्स जो है, ये लंदन फोर्स देख लो, ये लंदन फोर्स है, ये बहुत नजदीक लाओगे, बहुत नजदीक लाओगे तभी ये फोर्स काम करता है, अदरवाइज काम थोड़ी करता है, बहुत नजदीक लाओगे तब। और ये फोर्सेस किसके बीच में काम कर रहा है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसी को क्या कहेंगे बच्चों, हम लंदन फोर्स बोलेंगे, लंदन फोर्स। ओके बच्चों, और याद रखो लंदन फोर्स जो है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर, देखो बच्चों जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा, जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना ज्यादा लंदन फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा, क्यों, कि जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा बच्चों उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा, और जितना फैलेगा उसको डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, जितना ये बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हो जितना ये बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको आसानी से ये डिस्टॉर्ट खींच लेगा। तो बच्चों जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ज्यादा लंदन फोर्स होगा, आगे बच्चों बताओ, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा, देखो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज, लंदन फोर्स कंसेप्ट, कंसेप्ट लंदन फोर्स जो है, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन, जितना मॉलिक्यूल्स का साइज जितना लंदन फोर्स ज्यादा, जैसे बच्चों एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे सी एच फोर है, ठीक है सी एच फोर, एस आई एच फोर जी, ये आपको पता है ना कार्बन फैमिली, कहो शिव जी सुनो पार्वती, तो बच्चों तीन नाम बोल रहा हूँ सी एच फोर, एस आई एच फोर और जी एच फोर, बच्चों आपको पता है इनका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मैंने बोला ना कि पी ब्लॉक, जब पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लंदन फोर्स। बच्चों अब देखोगे कि सी एच फोर, अब देखो ये कार्बन फैमिली में कार्बन के ही ग्रुप में सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हाइड्राइड्स बन रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज। बच्चों क्यों बॉलिंग में बढ़ गया, अब ध्यान से देखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम साइज, बच्चों जानते हो कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है बच्चों ना, साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है,
साइज क्या होता है, बढ़ता है। कहो शिव जी सुनो पार्वती। तो बच्चों व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। बच्चों साइज जब बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां जब साइज बढ़ेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे इनके भी जो लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके खींचना आसान होता है। इसीलिए बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और बोले ना कि पी ब्लॉक की जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज आएगा लंदन फोर्सेस का, उनके कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। ओके बच्चों, आई होप एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। तो ये तीन तरह के मैंने फोर्सेस आपको बताए, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है बच्चों, ठीक से लिख दो इसको, साइज इंक्रीज। ठीक है बच्चों, आई होप कि मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मेरा एफर्ट आपके काम आएगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखे कैसा लगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी नए नए चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।